आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सहसंयोजक बंध क्या होता है, सहसंयोजक बंध कितने प्रकार के होते हैं और पूरे स्टेप को हम एनिमेशन के थ्रू समझेंगे ताकि हर कंसेप्ट आपका क्लियर हो सके। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं सहसंयोजक बंध की, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो सहसंयोजक बंध होता क्या है, पहले ये जानते हैं। जब परमाणु बराबर बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके संयोग करते हैं तब उस बंध को हम सहसंयोजक बंध कहते हैं, तथा ऐसे यौगिक जिनमें सहसंयोजक बंध पाया जाता है उन्हें हम सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। तो सहसंयोजक बंध होता क्या है, सहसंयोजक बंध में कोई भी परमाणु जो आपस में जुड़ता है वो बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन का शेयर करते हैं। यदि एक परमाणु एक देता है तो दूसरा भी एक देता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि ये नहीं कि आयनिक बंध की तरह कि एक इलेक्ट्रॉन दे दिया दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें दोनों बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन को साझा करते हैं। कैसे करते हैं, आइए मैं आपको समझाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लोरीन के दो मॉलिक्यूल हैं और एक क्लोरीन के बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होता है और उनकी संयोजकता 1 होती है। अब यहाँ पर 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल हैं, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यह क्या कर रहे हैं कि अपने बाहरी कोष के जो 7वें कोष वाले इलेक्ट्रॉन है वहाँ पर अपने एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहे हैं, और यहाँ पर ये एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा किए हुए हैं इसलिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है मैं आगे आपको बताऊंगा जब मैं इसके प्रकार के बारे में बताऊंगा। तो जैसा कि मैंने बताया था कि सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है और दो या दो से अधिक परमाणु आपस में एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन का साझा करके सहसंयोजक बंध बनाते हैं। तो यहाँ पर क्लोरीन के परमाणु जो कि 2 परमाणु हैं आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा किए हैं और साझा करके सहसंयोजक बंध बनाए हैं। तो जैसा कि मैंने पीछे बताया कि 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो सहसंयोजक बंध बनता है। अब यदि जो इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है यानी कि साझा किए गए जो युग्म इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि जब भी वो साझा करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे ही, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर सहसंयोजक बंध 3 प्रकार के होते हैं, एकल बंध, द्विक बंध और त्रिक बंध, जिसे इंग्लिश में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। और इनमें क्रमशः 1, 2 अथवा 3 इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी होती है। याद रख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब जोड़ों में इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अगर एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है कोई तो एक जोड़ा तो बनेगा ही, इसलिए यहाँ पर हमेशा जोड़ों में बात होगी, ये बात याद रखिएगा। तो कैसे एकल बंध होते हैं, द्विक बंध होते हैं, त्रिक बंध होते हैं, आइए एनिमेशन के थ्रू समझते हैं। जैसा कि पीछे हम लोगों ने Cl2 के बारे में देखा, Cl2 के स्ट्रक्चर के बारे में देखा, आइए इसको समझते हैं कि कैसे Cl2 का स्ट्रक्चर बनता है। तो यदि हम बात करें क्लोरीन की तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। तो यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो K कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, L कोष में आपके होंगे 8 इलेक्ट्रॉन और M कोष में आपके होंगे 7 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसके बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता है 1। अब यहाँ पर 2 अणु हैं क्योंकि Cl2 की बात हो रही है तो दोनों को हम देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करें, ये दोनों अपने बाहरी कोष के एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ इसलिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनेगा, और सिंगल बॉन्ड को हमेशा हम एक रेखा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। आइए बात करते हैं हम डबल बॉन्ड की, और हम बात करते हैं O2 की। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, इसके K कोष में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और L में होते हैं 6। तो इसके बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता 2 है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 अणु आपस में क्या कर रहे हैं, 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहे हैं। तो इनके 2-2 इलेक्ट्रॉनों के साझा करने की वजह से यहाँ पर बनेगा डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड को हम 2 रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आप जैसा कि ऑक्सीजन के बीच में 2 सीधी रेखा देख रहे हैं यही है डबल बॉन्ड। तो 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो वहां पर बनता है डबल बॉन्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड की। तो एग्जांपल के रूप में हम लिखेंगे N2, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, इसके K कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और L कोष में होंगे आपके 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसके वैलेंसी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता क्या होगी, 3 होगी। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 अणु हैं तो दोनों आपस में क्या करेंगे, 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे, और जब 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो वहां पर होता है ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो हम 3 रेखा द्वारा प्रदर्शित करेंगे, जैसा कि आप 2 नाइट्रोजन अणुओं के बीच में आप ट्रिपल लाइन देख सकते हैं। आइए सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे हम बात करें CH4 की, तो हम सभी जानते हैं कि कार्बन के बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन के बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन के बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता होगी 4, और हाइड्रोजन के बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, इसकी संयोजकता होगी 1। तो सभी हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर कार्बन के बाहरी कोष में उपस्थित
चार इलेक्ट्रॉनों के साथ जुड़ जाते हैं, जैसा कि आप एनिमेशन में देख सकते हैं, और ये जुड़कर आपस में सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कार्बन सभी हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, इसलिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड बनेगा। यानी कि मेथेन में आप देखेंगे तो चार आपको एकल बंध दिखाई देंगे और चारों एकल बंध कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बनते हैं, जैसा कि इमेज में आप ऊपर की ओर देख सकते हैं। तो ये थी आपकी मेथेन की संरचना। चलते हैं अगले उदाहरण की ओर और हम बात करते हैं HNO की संरचना के बारे में। तो एक तरीका मैं आपको और बताता हूँ स्ट्रक्चर बनाने के लिए। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास 5 और ऑक्सीजन के बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन। अगर हम टोटल करें तो इनके पास 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब यदि हम बात करें इनके स्ट्रक्चर की, तो नाइट्रोजन के बाहरी कोष में हम सभी जानते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन के बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वहीं हाइड्रोजन के बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2, नाइट्रोजन की संयोजकता 3 और हाइड्रोजन की संयोजकता 1। तो नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है तो ये 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ सकता है, 1 हाइड्रोजन के साथ। वहीं ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है इसलिए यह नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ेगा, और हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है तो वो नाइट्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ेगा। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच एक सिंगल बॉन्ड बनता है। तो इस तरह से हम HNO की संरचना बना सकते हैं। तो ये तो बात हुई सहसंयोजक बंध के कुछ उदाहरण और उनकी संरचना के बारे में। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं सहसंयोजी बंध से बने हुए जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं उनके क्या गुण होते हैं। तो पहले पॉइंट की ओर चलते हैं। तो अधिकांश सहसंयोजक यौगिक साधारण अवस्था में गैस, द्रव या वाष्पशील ठोस होते हैं। यानी कि अगर हम इनकी अवस्था के बारे में बात करें, जितने भी सहसंयोजक यौगिक होते हैं तो ये प्रायः गैस और द्रव के रूप में पाए जाते हैं, और यदि अगर ठोस रूप में भी पाए जाते हैं तो ये वाष्पशील रहते हैं, यानी कि बहुत जल्द ही गैस के रूप में बदल जाते हैं। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, इनके द्रव्यमान एवं कथनांक कम होते हैं। चूंकि हम सभी जानते हैं कि जितने भी द्रव या गैस होते हैं उनके जो कथनांक होते हैं और द्रव्यमान होते हैं वो कम होते हैं, तो इसलिए जितने भी सहसंयोजक यौगिक होते हैं उनके द्रव्यमान और कथनांक कम होते हैं। अगला गुण है, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। तो जितने भी सहसंयोजक यौगिक होते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने जल पढ़ा, CO2 पढ़ा, HNO पढ़ा, तो ये जितने भी होते हैं सहसंयोजक यौगिक सभी विद्युत के कुचालक होते हैं। तीसरा गुण है, ये जल में प्रायः अविलेय, किंतु जितने भी कार्बनिक विलायक हैं जैसे कि बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि में विलेय होते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी अपवाद हैं जो कि सहसंयोजक यौगिक हैं और जल में विलेय होते हैं, जैसे कि HCl है, जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, अमोनिया है, ये सभी सहसंयोजक यौगिक होते हुए भी जल में विलेय होते हैं। बढ़ते हैं सहसंयोजक यौगिक के अगले और लास्ट गुण की ओर। सहसंयोजक यौगिक की प्रकृति दिशात्मक होती है, यानी कि जो इनका अरेंजमेंट होता है वो दिशात्मक होता है। तो दिशात्मक अरेंजमेंट क्या होता है, जब आप क्लास 12th में जाएंगे तो आप जब सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको इस पॉइंट के बारे में डिटेल से बताया जाएगा। तो जितने भी सहसंयोजक यौगिक होते हैं वे प्रायः गैस और द्रव रूप में पाए जाते हैं। इनके द्रव्यमानांक और क्वथनांक कम होते हैं, यानी कि इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होती है। वही बात करें, ये विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी कि इनसे करंट होकर नहीं गुजरता, और ये जल में प्रायः अविलेय, परंतु जितने भी कार्बनिक विलायक होते हैं जैसे बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इन सबों में विलेय होते हैं, परंतु कुछ ऐसे सहसंयोजक यौगिक होते हैं जैसे कि HCl, अमोनिया, ये सभी जल में विलेय होते हैं। और लास्ट पॉइंट मैंने बताया था कि सहसंयोजक यौगिकों की जो प्रकृति होती है वो दिशात्मक होती है। उप सहसंयोजक बंध क्या होता है, इसके क्या उदाहरण है और उप सहसंयोजी यौगिकों के क्या विशेषताएँ होती हैं। तो पार्किन के अनुसार उप सहसंयोजी बंध एक विशेष प्रकार के सहसंयोजक बंध है जिसमें साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म केवल एक परमाणु द्वारा प्रदान किया जाता है, और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है उसे हम दाता कहते हैं, और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है उसे हम ग्राही कहते हैं। तो इस बंध के बनने के पश्चात दाता परमाणु पर आंशिक धनावेश जबकि ग्राही परमाणु पर आंशिक ऋणावेश बन जाता है, अतः यह बंध अर्ध ध्रुवीय बंध भी कहलाता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सेमी पोलर बॉन्ड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ए कोई तत्व है और बी तत्व है, तो ए के पास जोड़ों में इलेक्ट्रॉन है, तो ए क्या करेगा, अपने जोड़ों के इलेक्ट्रॉन बी को दे देता है। तो उप सहसंयोजक बंध में होता क्या है कि एक परमाणु दूसरे परमाणु को जोड़ों में इलेक्ट्रॉन देता है, तो जो जोड़ों में इलेक्ट्रॉन देता है उसे हम बोलते हैं दाता,
यानी कि डोनर, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसे हम बोलते हैं ग्राही यानी कि रिसेप्टर। और उप सहसंयोजक बंध में हमेशा इलेक्ट्रॉन को दिखाने की जो दिशा होती है वो तीर के द्वारा दिखाई जाती है। तो जब भी ऐसा तीर कहीं भी बॉन्ड में आपको दिखाई दे तो इसका मतलब है कि वहां पर उप सहसंयोजक बंध बना हुआ है। अब यहाँ पर तो आपको समझ में आ गया कि उप सहसंयोजक बंध में हमेशा जोड़ों में इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, परंतु आपको यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि ये जोड़ों में जो इलेक्ट्रॉन दिया जाता है वो किस तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप पहले ये समझिए, फिर इसके बाद हम किस तरह से ये बॉन्डिंग बनती है उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो आइए पहले मैं आपको बंध वाले इलेक्ट्रॉन यानी कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के बारे में बता देता हूँ। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, आपके सामने CH4 स्ट्रक्चर बना हुआ है। हम सभी जानते हैं कार्बन के बाहरी कोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है जिसको रेड कलर से दिखाई दिया गया है, और उसके बाद हाइड्रोजन के बाहरी कोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है जिसको क्रॉस के थ्रू दिखाया गया। तो कार्बन के जो चारों इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ गए। तो जब किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे तत्व के इलेक्ट्रॉन के साथ बंध बना लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या है 8, 4 आपके कार्बन के हो गए और 4 हाइड्रोजन के हो गए। अब बात करते हैं अमोनिया के स्ट्रक्चर की। तो अमोनिया का स्ट्रक्चर यानी कि फॉर्मूला अगर हम देखें तो NH3, तो हम सभी जानते हैं कि नाइट्रोजन के बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन के बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो नाइट्रोजन के जो 3 इलेक्ट्रॉन है 5 में से, वो क्या करेंगे कि एक एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएंगे, यानी कि नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़कर बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के यूज हुए हैं, इसलिए इसे हम बोलेंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। परंतु यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की ओर कि 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में चले गए बट 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। तो ये जो बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन है इन्हें हम बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और यही नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपके उप सहसंयोजक बंध बनाते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी कभी उप सहसंयोजक बंध बना होता है तो उसमें क्या होता है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उप सहसंयोजक बंध बनाते हैं, लेकिन ये जोड़ों में होते हैं इसलिए इन्हें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, और यही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उप सहसंयोजक बंध में किसी दूसरे तत्व या यौगिक को देने में सहायता करते हैं, यानी कि ये एक तरह से दाता इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इतना कंसेप्ट क्लियर होने के बाद अब आप इजीली समझ सकते हैं कि कैसे उप सहसंयोजक बंध बनता है। तो आइए कुछ उदाहरण देखते हैं और देखते हैं कि कैसे उप सहसंयोजक बंध बनेगा। तो आइए सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं, और हम पहले एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं अमोनिया और बोरान ट्राई फ्लोराइड। तो अमोनिया का स्ट्रक्चर हम सभी जानते हैं NH3, तो नाइट्रोजन के बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसा कि आप येलो कलर से देख सकते हैं डॉट के रूप में दिखाया गया है, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ब्लैक कलर के डॉट से दिखाया गया है। तो नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है वो है 3, क्योंकि उसके बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, उसे 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो उसकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी, 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये 3 हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन ले लेता है और इसका अष्टक पूरा हो जाता है। वही बात करें हम बोरान ट्राइफ्लोराइड की, तो बोरान का परमाणु क्रमांक होता है 5, इसके बाहरी कोष में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसके बाहरी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी भी 3 है, तो ये क्या करेगा, 3 फ्लोरीन के साथ जुड़कर बोरान ट्राइफ्लोराइड बना लेगा, क्योंकि फ्लोरीन की भी वैलेंसी होती है 1। तो बोरान के बाहरी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन के 3 इलेक्ट्रॉन, ये मिलाकर बोरान के पास हो गए कुल 6 इलेक्ट्रॉन, परंतु इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है क्योंकि ये अष्टक पूरा नहीं कर पा रहा है। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए नाइट्रोजन के पास आप देख रहे हैं बचे हुए जोड़े में 2 इलेक्ट्रॉन है, जिसे हमने बताया था क्या बोलते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और हमेशा कोई भी तत्व जब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जोड़ों में देता है तो उसे हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो अब क्या करेगा, जो अमोनिया में नाइट्रोजन है, जो बचा हुआ जोड़ों में इलेक्ट्रॉन है वो इसको दे देता है और यहाँ पर बनता है उप सहसंयोजक बंध। आइए अगला उदाहरण देखते हैं, और हमारा अगला उदाहरण है सल्फर डाई ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है SO2। तो अगर हम सल्फर और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो दोनों के बाहरी कोष में हमें 6 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और दोनों की संयोजकता होगी 2, क्योंकि इसके बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो अपना अष्टक
पूरा कर लेगा। तो यहाँ पर सल्फर का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ जुड़कर अपना अष्टक पूरा कर लेता है, यानी कि दोनों के पास आठ आठ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। अब यहाँ पर सल्फर का तो अष्टक पूरा हो गया, अब एक ऑक्सीजन परमाणु बच गया। अब इस ऑक्सीजन परमाणु का अष्टक कैसे पूरा होगा, क्योंकि इसे भी दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या कहता है कि सल्फर के पास जोड़ों में बचे हुए जो दो इलेक्ट्रॉन है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि सल्फर के पास जोड़ों में बचे हुए दो जोड़े इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें से क्या कहता है, एक जोड़े का इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन परमाणु को दे देता है और इस प्रकार से बनता है सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर सल्फर एक ऑक्सीजन के साथ दो इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड, और यहाँ पर जोड़ों में इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर बनेगा उपसंयोजक बंध। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि सल्फर एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया है और दूसरे के साथ उपसंयोजी इलेक्ट्रॉन देकर, यानी कि जोड़ों में इलेक्ट्रॉन देकर उपसंयोजक बंध बना लेता है। तो इसके स्ट्रक्चर को हम कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, यानी इस तरह से बना सकते हैं। आइए चलते हैं अगले उदाहरण की ओर, और अगला उदाहरण है NH4+ आयन, यानी कि अमोनियम आयन। तो NH4+ आयन कैसे बनेगा आपको बताना है। तो जैसा कि पीछे हम लोगों ने देखा था कि अमोनिया में जोड़ों में दो इलेक्ट्रॉन बचे होते हैं, और यहाँ पर हम बात करते हैं H+ आयन की। तो H+ आयन कब बनेगा, हम सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, अगर हम उसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो उसके पास क्या हो जाएगा, H+ आयन हो जाएगा, यानी कि उसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। तो जब इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा तो ये स्टेबल होना चाहेगा, और स्टेबल होने के लिए इसे दो इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। तो ये दो इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, अमोनिया के नाइट्रोजन से लेगा, जिसके पास जोड़ों में दो इलेक्ट्रॉन है, और इस प्रकार ये जोड़ों में इलेक्ट्रॉन लेता है, इसलिए यहाँ पर उपसंयोजक बंध बनता है। जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं कि अमोनिया में उपस्थित जो नाइट्रोजन है जोड़ों में इलेक्ट्रॉन H+ आयन को देता है और उपसंयोजक बंध द्वारा जुड़ता है और बनाता है अमोनियम आयन, यानी कि NH4+ आयन। आइए इसी तरह एक और उदाहरण देखते हैं, और बात करते हैं हम हाइड्रोनियम आयन यानी कि H3O+ की। तो H3O+ कैसे बनेगा, तो पहले हम लोग वाटर का मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो जब आप H2O का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप देखेंगे कि ऑक्सीजन के पास जोड़ों में बचे हुए दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि ऑक्सीजन के पास दो जोड़े जोड़ों में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं। तो अब क्या करेगा, ये H+ आयन को एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन दे देगा, और H+ आयन को जब एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन देता है तो बनाता है हाइड्रोनियम आयन। आइए अगला उदाहरण देखते हैं, और हमारा अगला उदाहरण है ओजोन, जिसका फॉर्मूला होता है O3। तो ऑक्सीजन के बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसकी संयोजकता क्या होगी, 2 होगी। तो यहाँ पर दो ऑक्सीजन परमाणु आपस में दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लेते हैं और इनके बीच बन जाता है डबल बॉन्ड। तो दो ऑक्सीजन की तो वैलेंसी कंप्लीट हो गई, बच गया एक ऑक्सीजन परमाणु। तो एक ऑक्सीजन परमाणु को तो अभी दो इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, तो ये क्या कहता है, किसी एक परमाणु से जोड़ों में इलेक्ट्रॉन ले लेता है और इस प्रकार से इनके मध्य उपसंयोजक बंध बन जाता है। जैसा कि स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं ओजोन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, दो ऑक्सीजन के बीच दो इलेक्ट्रॉनों का शेयर हुआ है, इसलिए उनके बीच डबल बॉन्ड है, और एक ऑक्सीजन परमाणु उपसंयोजक बंध द्वारा, यानी कि जोड़ों में इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है। तो इस तरह से ओजोन की संरचना बनाई जा सकती है।